नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें ये बताया गया है कि किस कंट्री के लोग कितना साल भर में पैसा कमा लेते हैं, उनकी इनकम क्या है। तो इसमें दोस्तों कुछ बाजी अगर मारता हुआ देश दिखा हुआ है तो वो है यूक्रेन, रशिया, ईरान, बेलारूस। आप ये समझ लीजिए कि इसमें मोस्टली वो कंट्री ज़्यादा आपको शॉक करने वाले हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। भारत के बारे में भी स्थिति दी गई है, चाइना के बारे में भी बताया गया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर पूरी न्यूज़ है क्या। दोस्तों आप ऐसा समझ लो कि रशिया के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शन इस वक्त लगे हुए हैं, जिसके ऊपर 18,000 से ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं। पूरे मतलब वर्ल्ड में इससे ज़्यादा सैंक्शन किसी के पास नहीं है। और दूसरे नंबर की अगर बात करें, तीसरे नंबर की बात करें, तो उनके अगर सबके नंबर जोड़ भी दिए जाएं तब भी रशिया के आसपास भी नहीं आते, इतने ज़्यादा सैंक्शन है, ये समझ लीजिए। और पिछले करीब 2.5 सालों से रशिया और यूक्रेन युद्ध में है। सोचिए, युद्ध में होने के बावजूद रशिया एक हाई इनकम कंट्री बन गया है। हाई इनकम, सोचिए, मतलब युद्ध भी लड़ रहे हैं और सैंक्शन भी है, फिर भी हाई इनकम में चले गए। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी लोअर मिडिल से अपर मिडिल की तरफ आगे बढ़ गया है। मतलब आप ये समझ लीजिए, ईरान भी लोअर मिडिल से अपर मिडिल की तरफ चले गए, ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं। सोचिए, इन लोगों ने एक तरह से सैंक्शन को ठेंगा दिखा रखा है, उसका मजाक बना दिया। उसके मतलब इनकी प्लानिंग कितनी अच्छी रही होगी, इनका मैनेजमेंट कितना अच्छा रहा होगा जो ये आगे निकल गए हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन 2006 में थी, सेम पोजीशन आज भी आपको मतलब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि पहले हम लो इनकम ग्रुप में हुआ करते थे, अब लो से ऊपर थोड़ा आ गए हैं, मतलब लो मिडिल क्लास में आ गए हैं। अभी भी दो कैटेगरी अगर आगे बचती है, एक अपर मिडिल क्लास और एक हाई इनकम ग्रुप, मतलब अभी हमारा नीचे से दूसरा पोजीशन है। टोटल 4 कैटेगरी होती हैं, लो इनकम, लो इनकम के बाद आती है लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास से हाई इनकम। तो ये समझ लीजिए कि जो सबसे नीचे वाला होता है वो पोजीशन 2006 में थी इंडिया पाकिस्तान की, चाइना वहाँ अपना चेंज कर चुका था, चाइना सेकंड पोजीशन पे आ चुका था। उसके बाद इंडिया ने 2006 से 2023 के बीच में अपना एक पोजीशन आगे बढ़ा लिया, और चाइना ने उसके बाद अपना एक पोजीशन आगे बढ़ा लिया। इसका मतलब ये समझ लीजिए, चाइना अपर मिडिल क्लास में इस वक्त आता है और इंडिया लोअर मिडिल क्लास में आता है, पाकिस्तान भी लोअर मिडिल क्लास में आता है। अगर 1990 की बात करें तो उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों एक ही कैटेगरी में आया करते थे, सभी लोअर लो क्लास में थे, बिल्कुल लो इनकम ग्रुप में थे। अब दोस्तों आपको समझाता हूँ कि ये आखिर जो अलग अलग ग्रुप हैं इन पे कितनी इनकम होनी चाहिए जिसमें माना जाता है कि ये लो इनकम है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक तो जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है वो डॉलर में बताता है, तो $1,145 अगर रुपए में बात कन्वर्ट करके देखें तो करीब 90-95 हज़ार रुपये बनता है। अगर किसी भी देश के लोग एक साल में 90-95 हज़ार रुपये कमाते हैं तो वो माना जाता है कि ये गरीब देश है, मतलब पैसा बहुत कम कमाते हैं, लोअर इनकम वाले लोग हैं। दूसरी पोजीशन, अगर यही पैसा 90-95 हज़ार रुपये से लेकर के करीब 3.5 लाख 3.60 लाख के आसपास तक कमा लेते हैं जिस भी कंट्री के लोग, तो वो आ जाते हैं लोअर मिडिल क्लास। इंडिया के लोग यहीं पे हैं, 90 हज़ार से लेकर 3.5 लाख रुपए तक इंडिया के लोग ऑन एन एवरेज साल में कमा लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जहाँ पे 3.5 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक, यानी कि 4,415 डॉलर से लेकर के $14,000 तक अगर किसी देश के लोग कमा लेते हैं साल भर में, तो वो आ जाते हैं अपर मिडिल इनकम में, यानी कि करीब 3.5 से 12 लाख रुपए। और 12 लाख से ऊपर जो कमाते हैं, 12 लाख और उससे ऊपर, यानी कि डॉलर में बात करें तो कि $14,000 से ऊपर की बात ये हो रही है, वहाँ अगर 12 लाख रुपए से ऊपर कोई कमा लेता है तो वो आ जाता है हाई इनकम क्लास में। तो रशिया के लोग हाई इनकम क्लास में हैं, ये समझ लीजिए कि रशिया में हर आदमी हर महीने करीब 1 लाख रुपये तो कमा ही रहा है, मतलब ये एक एवरेज बता रहा हूँ, हर आदमी हर महीने लगभग 1 लाख रुपए कम से कम तो कमा ही रहा है।
यूएसए की अगर बात करना तो यूएसए तो खैर बहुत आगे है रसिया से। यूएसए में करीब 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम आदमी कमा ही लेता है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी सोचिए कितना आगे है, कम से कम वहाँ भी समझ लीजिए कि आदमी 3.5 लाख रुपए तक कमा ले रहा है, मतलब इतना आगे है। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के मतलब वैसे तो दिख रहा है कि हम 3.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। आज भी अगर लोगों को 20,000 रुपये 25,000 रुपये की नौकरी कहीं मिल जाती है तो वो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। तो दोस्तों ये पोजीशन है इंडिया की। कहने के लिए तो हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत ही जल्दी हम तीसरे तक की हमारी जाने की उम्मीद है, चौथी पे आएंगे फिर तीसरी पे जाएंगे। तो दोस्तों लेकिन वो अगर लोगों के हाथ पे अगर देखें पैसा, तो हाथ पे पैसा उतना नहीं है। इसका मतलब अगर पैसा कहीं है तो यानी कि सरकार के पास है ये पैसा। अब दोस्तों ये लेकिन जो नंबर हमारे दिखते हैं कि अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो लोगों के हाथ में भी दिखना चाहिए, तभी हमारा सही मायने में विकास होगा। बाकी तो नंबर्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हमें उतनी खुशी नहीं मिली क्योंकि हमें हमारे कोई खास हमारा कोई बदलाव दिखा नहीं। हमारा जब बदलाव अगर होता तो ज़रूर कुछ खास होता। ये सोच लीजिए कि दोस्तों मतलब चौंकने वाली बात है, रसिया और यूक्रेन दोनों युद्ध में, दोनों ने अपनी स्टेटस को चेंज कर लिया। बेलारूस भी मतलब आगे बढ़ गया, हाई इनकम ग्रुप में चला गया। बस अगर युद्ध कहीं चल रहा है और उनको नुकसान हुआ है तो वेस्ट बैंक और गाजा में जो युद्ध चल रहा है वो लोग सिर्फ नीचे आए, बाकी सोचिए ये लोग सब आगे बढ़ गए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, जो ये नई रिपोर्ट आई है तो मैंने बना दी। धन्यवाद।